हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स बठिंडा की एक नई और एक बिगेस्ट अपडेट को लेके। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम्स बठिंडा ने पीजीआई चंडीगढ़ के थ्रू वैकेंसी निकाली थी। नर्सिंग ट्यूटर की, एचए की, लैब टेक्नीशियन की, सभी की वैकेंसी निकाली गई थी। टोटल 35 पोस्ट यहाँ पर थी। इसके रिगार्डिंग आज आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है, और बड़ी अपडेट है इसकी एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज ही एम्स जो बिलासपुर है उसके आसनों के लिए जो एडमिट कार्ड है वो आपके रिलीज हो चुके हैं। एडमिट कार्ड आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एम्स बठिंडा के लिए जो भी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है उन सभी के लिए भी लिंक है, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं जब आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। आज एग्ज़ाम डेट को लेकर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, एक बार रिव्यू आपको करवा देते हैं कि नर्सिंग ट्यूटर के यहाँ पर टोटल जो 8 वैकेंसी थी, लाइब्रेरियन जो ग्रेड थर्ड हैं उनके लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी थी, हॉस्टल वार्डन के लिए पहले ही यहाँ पर डेट रिलीज हो चुकी है, एलटी के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट थी, कैशियर की एग्ज़ाम डेट पहले आ चुकी है, एचए के लिए यहाँ पर साथियों 13 पोस्ट थी। तो सभी के लिए जो है वो डेट रिलीज कर दी गई है। चलिए आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं, एडमिट कार्ड की डिटेल भी आपको देने वाले हैं। ये साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जामिनेशन नोटिस जारी कर दिया गया है एलटी के लिए, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए, नर्सिंग ट्यूटर यानी कि नर्सिंग कॉलेज ऑफ जो नर्सिंग है एम्स बठिंडा की, उसके द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी उनके लिए भी यहाँ पर एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है। तो वेरियस प्रकार की जो ग्रुप ए बी और ग्रुप सी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी एम्स बठिंडा के द्वारा पीजीआई के थ्रू, उसका डिटेल नोटिफिकेशन मतलब एग्ज़ाम डेट और इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड अपडेट आ चुका है। तो 16 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फुल आपके पास 1 मंथ दिया गया है। 16 नवंबर को एग्ज़ाम जो डेट है उसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 16 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा आपके सेंटर कहाँ आ सकते हैं, आपका सेंटर कहाँ आ सकता है, सारी बातें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यदि आपने एलटी के लिए या फिर यहाँ पर यूडीसी और यहाँ पर नर्सिंग ट्यूटर के पदों के लिए आपने अप्लाई किया है तो मॉर्निंग और आफ्टरनून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर बठिंडा, चंडीगढ़, मोहाली, देहरादून और या फिर दिल्ली एनसीआर में रखे गए हैं। हालांकि फाइनल जो एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट है उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, कभी भी और कहीं भी नया सेंटर आ सकता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, एडमिट कार्ड की डेट इन्होंने बता दी है कि आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो साथियों, हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल के द्वारा दी जाती है। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि यहाँ से अपडेट आपको मिलता रहे। हर एक अपडेट मिलेगा जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ज्वाइनिंग होंगी, अपॉइंटमेंट लेटर आएंगे, तो सारी बातें यहाँ पर बताई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम डेट के लिए वीडियो बना दिया, बात खत्म। इसके अलावा जो हॉस्पिटल अटेंडेंट हैं, ग्रेड जो थर्ड हैं, इसके अलावा ग्रेड जो सेकंड हैं, इसके अलावा जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड हैं, इन सभी के लिए यहाँ पर जो की एग्ज़ाम डेट है वो सेम रखी गई है। लेकिन एडमिट कार्ड का जो अपडेट है वो आपको बता देते हैं कि जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपको फ़ोन से डाउनलोड नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा आपको बाय पोस्ट या फिर कोई बाय स्पीड पोस्ट नहीं भेजे जाएंगे। आपको साइट पे लिंक एक्टिवेट मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करने के बाद 5 दिसंबर से यहाँ पर आप अपने एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही एडमिट कार्ड का लिंक आएगा, जैसे ही एक्टिवेट होगा, हमारे द्वारा आपके लिए एक अलग से वीडियो YouTube पे पोस्ट कर दिया जाएगा। अभी के लिए यही अपडेट है। कोई भी नई बात आपको समझ में नहीं आई है, कुछ भी पूछना है, कोई आपकी क्यूरी है, तो आप हमें यहाँ पर पूछ सकते हैं। Instagram पर, Telegram का और हमारे YouTube चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद साथियों।